तो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये चीज़ तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक वगैरह पर ज़रूर देखा होगा इस टाइप की वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि क्या हम इससे वेल्डिंग कर पाएंगे, यानी कि कर सकते हैं क्या, या फिर ये सिर्फ अस्पाक को कहीं बचेगा। फ्रेंड्स अस्पाक तो होना ही है, क्योंकि अगर जो दो वायर नेगेटिव पॉजिटिव टकराएंगे तो अस्पाक तो होगा ही। तो क्या मतलब अस्पाक में इतनी दम होगी कि मतलब हम वेल्डिंग कर पाएंगे? तो बस हम यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा आया है जो एक ये वाइट वाला न्यूट्रल था और जो रेड टाइप में है वो है फेज है। तो फेज को हमने एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है सेफ्टी के लिए, कि अगर शॉर्ट अगर जो डायरेक्टली शॉर्ट यहाँ पे हो जाए, बाय द वे कुछ फॉल हो जाए तो मतलब ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाए, या फिर ट्रिप ना भी हो तो यहाँ पे मतलब इसको बंद कर पाए। तो ये फ्रेंड्स हमने बेटर रिजल्ट के लिए लिया है। हम ये जो है जो ये जो है पत्ती है वो है कॉपर का, दोनों कॉपर का है, और कॉपर का जो है वायर लिया हमने 8mm का वायर है दोनों, और 8mm का वायर हमने यहाँ से बाल्टी से कनेक्ट करके डायरेक्ट इसमें लेके आया है। और मेन जो है यहाँ से फेज हमने बाल्टी में डाला, बाल्टी में डाल के पानी है, पानी से इधर निकल गया है, और ये हमने पिलास में इस प्रकार से कर दिया है ताकि थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी रहे, यानी कि ज़्यादा अच्छा से कनेक्ट हो पाए। और ये हमारा रहा वेल्डिंग रॉड, और ये हमने जो न्यूट्रल आया है, न्यूट्रल हमने डाल दिया जिसको ग्राउंड आप बोल सकते हो, ये हमने डाल दिया है एक लोहे के एंगल या पत्ती में कुछ भी आप बोलो, तो ये हमने इससे मजबूती से कनेक्ट कर दिया है ताकि ये हिले नहीं, और हमारा वेल्डिंग भी मतलब कि अगर होने का रहेगा तो हो जाएगा। तो हमने हाथ में लिया ग्लव्स थोड़ा सेफ्टी के लिए, कि हो ना हो अगर बाय द वे इधर तार आके मेरे हाथ में चिपक ना जाए, तो सेफ्टी पहले मतलब जरूरत होता है फ्रेंड्स की अपना सेफ्टी का ख्याल रखें। बाकी फ्रेंड्स इसके अलावा भी मतलब डर तो थोड़ा आ ही गया मतलब कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने में, कि मतलब कहीं झटके बटके ना लग जाए, और झटके लगे तो फ्रेंड्स थोड़े तगड़ी झटका लग सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले सेफ्टी उसके बाद कोई कुछ एक्सपेरिमेंट होगा। तो हमने क्या किया है कि पहले इसमें सिर्फ पानी है, बिल्कुल साफ पानी है, हाँ बाल्टी गंदी है फ्रेंड्स उसकी टेंशन भी बिल्कुल भी मत ले। और हमने अभी नमक का पैकेट खोला भी नहीं फ्रेंड्स, देखिए तो नमक हम बाद में डाल के देखेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या हम बिना नमक डाले मतलब स्पार्क उत्पन्न कर सकते हैं क्या। तो पहले हम ऐसे चेक करते हैं और उसके बाद नमक डाल के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम एक एंगल को दूसरे एंगल से जोड़ के देखेंगे, अगर जो ठीक रहेगा तो, और नहीं होता फिर तो कोई बात नहीं, हम बस यही एक्सपेरिमेंट करेंगे आज। तो चलिए हम इसे नीचे से अब प्लग इन कर लेते हैं जो मेन वायर आया हुआ है हमका हमारा, और उसके बाद हम देखेंगे। हमारा एमसीबी जो है ऑफ है, तो अभी ऑफ होने देते हैं, हम नीचे से कनेक्ट करके आते हैं उसके बाद ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने लाया है दो, एक रेड का टुकड़ा है और एक है जो प्लेट ऐसे ही पत्ती है कुछ, हम इसे वेल्डिंग करके देखेंगे। पहले तो देखेंगे स्पार्क आ रहा है या नहीं। फ्रेंड्स शुरू करते हैं, इसमें करंट नहीं है फ्रेंड्स, इसमें है जो हमारा न्यूट्रल है, फेज हमारा इसमें है, और इसका स्विच हम करने जा रहे हैं अब ऑन, और इसको हम पहले हाथ में ले लेते हैं, और इसको हम कर ले रहे हैं एमसीबी को ऑन कर ले रहे हैं। ये हमारा एमसीबी ऑन हो गया, अब आप देखेंगे कि स्पार्क आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही धीमा स्पार्क है, इतना तो हमें लगा कि कुछ वेल्डिंग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कर पाएंगे हम, तो फ्रेंड्स हमें नहीं लगता कितना कुछ वेल्डिंग कर पाएंगे, क्योंकि वेल्ड कर पाएगा ये बिल्कुल फ्रेंड्स लगा, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी हमने शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स मतलब वेल्डिंग करने के लिए। तो चलिए हम इसे अब कर दे रहे हैं, इसका हम सभी ट्रिप कर दे रहे हैं, हमने कर दिया एमसीबी को ऑफ। और हम अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम अब नमक का पैकेट लेंगे और इसमें कुछ नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स हमने नमक का पैकेट खा लिया है, तो फ्रेंस इसमें करंट नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने एमसीबी गिरा दिया है, फिर भी सेफ्टी के लिए हम बगल से करते हैं फ्रेंड्स, रिक्स लेने वाली। तो हमने इसमें डाल दिया लगभग 100 ग्राम के लमसम नमक डाल दिया है, अब हम इसे घोल लेते हैं। घोलने के लिए हम डंडा का प्रयोग करते हैं, हम इसे अच्छे से मिला ले रहे हैं, हमारा नमक बिल्कुल भी अच्छा तरीका से गल चुका है, और अब हमें फिर से टेस्ट करना चाहिए। चलिए हम इसे पहले कर लेते हैं, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो फ्रेंड्स अभी से टेस्ट कर देते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो हम आ गए हैं अपने, और हम अब करेंगे एमसीबी को ऑन, उसके बाद देखेंगे क्या कि क्या होता है। एमसीबी को हमने ऑन कर दिया है, अब देख फ्रेंड अच्छे क्या इसका करंट बढ़ा या नहीं। तो फ्रेंड देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हमने लगभग 100 ग्राम ही नमक डाला है, और इसमें देखिए मतलब बढ़ चुका है,
तो फ्रेंड्स चलिए हम इसे वेल्डिंग करते हैं इस राउंड को। तो फ्रेंड्स ये मेरे आग पे बहुत ही ज्यादा मतलब लाइट मार रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड्स, तो हमें लगता कि मैं इस वेल्डिंग कर पाऊंगा क्योंकि मैं कोई वेल्डिंग किया भी नहीं हूँ, बस ये टेक्निकल मतलब प्रयोग करने के लिए बस ये कर रहा हूँ और मैं वेल्डर कोई वेल्डर नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमें तो लगता है कि वेल्डिंग हो जाएगा यार। तो फ्रेंड्स ये वेल्डिंग हो जा रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए दिखा दे रहा हूं आपको। पता नहीं यार क्यों मुझे डर लग रहा है, ये वेल्डिंग हो रहा है फ्रेंड्स, मैं उतना अच्छा सही तरीका से हुआ क्योंकि मुझे वेल्डिंग करना आता नहीं फ्रेंड्स इसलिए। वेल्डिंग हो गया ना वो फ्रेंड्स, पर देखने बहुत मजा आ रहा है। बंद कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हमें कनेक्ट कर दिया फिर से एक बार अपने वायर को, और चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो हम मेन स्विच को दे रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, सेफ्टी फर्स्ट, पहले ग्लव्स पहन ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमने ग्लव्स पहन लिया है और चलिए अब शुरू करते हैं फिर से। तो हम यहाँ एमसीबी को ऑन कर दे रहे हैं, हमारा एमसीबी ऑन हो चुका है, अब हम देखेंगे स्पार्क करके। ये देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मस्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसको आप घर पर ट्राई बिल्कुल ही ना करें क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है, साबित हो सकता है, अगर मैं ये रड छू दूँ या गलती से टच हो जाए तो आपको बहुत बहुत जोरों की झटका लग सकती है, आपकी जान तक जा सकती है फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा बिल्कुल ही मत ना करें। तो ठीक है फ्रेंड्स आज तो इसलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।